डाल लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और हमने एक पट्टी बना भी चुके हैं, देखिए इस तरह की हमने डोरमेट के लिए पट्टी बनानी है। हमने ये यहाँ से इसमें फंदे डाले हैं, 22 फंदे मैंने डाले हैं और इसी तरह मैंने इसकी बुनाई की है, ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह की हम ये 4 पट्टियाँ बना लेंगे, एक बना चुके हैं, 3 पट्टियाँ और बनाएंगे। अगर आप चाहते हो इसी में बनाना तो इसी तरह आप भी इसमें बना सकते हैं। तो चलिए ये मैं बनाना शुरू करती हूँ। उसके लिए प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं डोरमेट हमारा आपको कैसा लगा। तो चलिए हम आपको बनाना बताते हैं किस तरह हमने बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, 22 फंदे मैंने डाल लिए हैं और सिंपल ही फंदे डाले हैं मैंने इसमें, ये देखिए इस तरह। मैं एक सिलाई इसी तरह उतार लेती हूँ इसमें, ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हमने इसी तरह उतारनी है। एक सिलाई मैं उतार लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सिलाई पूरी उतार ली है दोनों तरफ से। अब देखिए इसके बाद बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बता रहे हैं, ये देखिए ध्यान से सारे फंदे हम इसी तरह बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और एक एक फंदा करके मुझे 5 फंदे पीछे छोड़ने हैं, ये देखिए किस तरह छोड़ने हैं आप इसमें। मैंने इसमें 4 कलर लगाए हैं, आप अपने हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हो और इससे बड़ा भी बना सकते हैं। देखिए पूरी सिलाई मैंने उतार ली है और एक फंदा मैंने छोड़ दिया है यहीं पर और यहीं से वापस होना है मुझे, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह मुझे 5 फंदे छोड़ने हैं एक एक फंदा करते हुए। उल्टी सिलाई हमने सारी उल्टी ही बनानी है इस तरह से, ये देखिए। पांच फंदे मैं इसी तरह एक एक करके इसकी छोड़ लेती हूँ फिर आपको, ये देखिए मैंने एक फंदा छोड़ दिया था। इस बार मैं फिर दूसरी सिलाई पे आती हूँ तो इस फंदे को छोड़ूंगी, तीसरी पे आऊँगी तो इसको छोड़ूंगी, चौथी पे इसको और पांचवी में इसको। इसी तरह मैं 5 फंदे छोड़ दूँगी, फिर आगे को आपको बताती हूँ किस तरह करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 फंदे देखिए छेक दिए हैं इस तरह से, 5 फंदे छेक दिए हैं, पीछे की तरफ धागा है, उल्टी सिलाई पे हम आ जाते हैं। देखिए इस तरह से 5 फंदे छेकते हुए यहाँ से हम इसमें दूसरा कलर लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। देखिए इसमें मैंने दूसरा कलर लगा लिया है। अब इसी तरह मुझे 5 फंदे इस कलर के छेकने हैं, उल्टी सिलाई पे हमने दूसरा कलर लगाना है इसमें, ये देखिए इसी तरह। मैं देखिए 5 फंदे मैंने छोड़े हैं और 5 सिलाइयां ही इसमें मैंने बना ली हैं, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5। इसी तरह मैं इसमें भी 5 फंदे छेकूंगी और 5 सिलाइयां मेरी इसी तरह हो जाएंगी जैसे इसमें मेरे किया है। चलिए मैं इसके भी 5 फंदे
बुन करके इसी तरह देखिए एक फंदा छेक दिया है और यहीं से वापस होना है। ये देखिए इस तरह से एक एक फंदा मैं इसमें भी इसी तरह पांच सलाई बना लूँगी और पांच फंदे मुझे छेकने, फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड हमने पांच फंदे इसके भी इसी तरह देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे मैंने इसके भी इसी तरह छेक दिए हैं और देखिए इसी तरह ये पांच सलाइयाँ हो चुकी हैं। अब यहाँ से देखिए उल्टी तरफ मैं इसको धागे को पीछे की तरफ पीछे की तरफ कर लूँगी और यहीं से मैं इसमें फिर से दूसरा कलर लगा लूँगी। देखिए इस तरह से और पांच फंदे ये इस कलर के भी मुझे इसी तरह देखिए ये सिलाई हम इसी तरह पूरी करेंगे इसी से। और पांच फंदे मुझे इसके भी इसी तरह छेक देने हैं। ये देखिए इस तरह से पांच फंदे मैं इसमें भी इसी तरह छेक दूंगी इतने फंदे। ये देखिए चलिए मैं इसको भी कर लेती हूँ। फिर देखिए फ्रेंड्स हमने ये देखिए पांच फंदे हमने इसके भी इसी तरह देखिए छेक दिए हैं इस तरह से। अब यहीं से हम इसमें फिर से ये दूसरा कलर चौथा कलर लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये चौथा कलर लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से अब पांच फंदे हम इसमें भी इसी तरह ये देखिए छेकेंगे। ये दो फंदे हमारे रह जाएंगे, पांच फंदे मुझे इसमें भी इसी तरह छेकने हैं बिगर बुने। ये देखिए इस तरह से और यहीं से वापस होना है। चलिए पांच फंदे मैं इसमें भी इसी तरह छेक लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स हमने पांच फंदे इसमें भी इसी तरह ये छेक दिए, दो फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। अब ये देखिए ध्यान से देखिए मैंने पांच पांच फंदे हर कलर में छोड़ दिए हैं बिगर बुने। ये देखिए इस तरह से ये आया है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है ध्यान से देखिए, ये आगे धागा लाएंगे। ये देखिए दो फंदे मैंने बुने और यहीं से मुझे वापस होना है। ये देखिए इस तरह से और जो मैंने पांच फंदे मैंने ये छेके हैं मुझे एक एक फंदा इनमें से इस तरह से लेना है। देखिए एक फंदा मैं इस बार लूँगी इसमें से, फिर से मुझे यहीं से वापस होना है। देखिए इस तरह से तीन फंदे हो गए। तीन फंदे हो गए, फिर से मैं एक फंदा इसमें से फिर ले लूंगी। ये देखिए इस तरह से और यहीं से वापस हो जाऊंगी।
पांचों को फंदों को मुझे एक एक फंदा करते हुए इसी तरह लेना है जिस तरह मैं पांच फंदे ये छेकती हुई आई हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फिर से मैं एक फंदा ले लूँगी, दो ही फंदे बच रहे हैं हमारे। ये देखिए इस तरह से, फिर से मुझे एक फंदा इसमें से लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए देखिए एक फंदा बचा है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा गैप दिख रहा है तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से फंदा उठाऊँगी और इसमें डाल के देखिए इस तरह से, और दोनों को एक साथ, नहीं तो हमारा फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरह हम दो फंदे करते हुए बुन देंगे। ये देखिए अब हमने इस धागे को यहीं पर छोड़ देना है। अब ये हमारा पूरा हो चुका, फिर हम इसके बाद यहाँ से ये कलर ही लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हम उल्टी तरफ से कलर इसमें लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, अब हमने ये पांच फंदे हैं, हर सिलाई पे मुझे एक एक फंदा लेते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से, और पांच सिलाई एक एक फंदा लूंगी तो पांच सिलाई मेरी पूरी हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमें ज़्यादा ही गैप दिख रहा है तो हम यहाँ से इस तरह से ये फंदा उठा लेंगे और इन दोनों को एक साथ बना लेंगे। एक एक फंदा हम, ये देखिए इस तरह से एक एक फंदा हम इसी तरह लेते जाएंगे। चार फंदे हमारे रह गए हैं और यहीं से वापस होना है। फिर से मैं एक फंदा और ले लूँगी इसी में से, इसी तरह मेरी ये देखिए पूरी बुनाई होती चली आएगी इसी तरह ये लाइए। ये देखिए इस तरह से एक एक फंदा लेते हुए जाएंगे, एक एक फंदा हर सिलाई पे। फिर हम इधर आ जाएंगे तो यहाँ से मुझे उल्टी तरफ से फिर पिंक कलर लगा देना है इसी तरह। तो चलिए मैं कर लेती हूँ पूरा इसको, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसी तरह एक एक फंदा लेते हुए गए हैं और देखिए हमने नीचे भी पांच सिलाइयाँ बनाई हैं इसी तरह, और एक एक फंदा हम जब लेते हुए गए हैं तो हमारी पांच सिलाइयाँ इसी तरह आ गई हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए इस तरह से। अब हम इस धागे को पीछे करेंगे, ये देखिए अब यहाँ से हम इसी तरह ये ऑरेंज कलर लगा लेंगे। ये देखिए अब मैं इससे करूँगी पांच सिलाइयाँ। ये जो मेरे पांच फंदे हैं, एक एक फंदा लेते हुए जाऊँगी इसमें से सीधी सिलाई पे, और उल्टी सिलाई इसी तरह देखिए। कर लूँगी, आपके पास जितने कलर हैं आप उतने लगा लें इसमें। इसी तरह ये डोरमेट बनेगा, बहुत ही सुंदर बन के आता है और बहुत ही आसान है बनाने में भी। ये देखिए इस तरह मैंने पूरा कर लिया है। ये देखिए अब सीधी सिलाई पे आऊँगी तो एक फंदा इसमें से लेते हुए जाऊँगे। देखिए किस तरह,
देखिए मैंने यहाँ तक बना ली है ये, और यहाँ पे हमारा ये देखिए ध्यान से देखिए ज़्यादा ही गैप लग रहा है, तो मैं यहाँ से देखिए इस तरह से फंदा उठाऊँगी और इसी में डालूँगी और दो फंदों को देखिए इस तरह एक साथ बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से एक फंदा हो गया, चार फंदे रह गए हमारे, और यहीं से वापस होना है, फिर आगे की सीधी सिलाई पे आएंगे, फिर एक फंदा ले लेंगे इसी तरह। तो चलिए मैं इसी तरह इसको भी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये पूरा बन चुका है इस तरह से, पांचों फंदे मैंने देखिए इस तरह से ले लिए हैं। अब हमने अगर इसी पे ही आगे को करना है तो इस तरह भी कर सकते हैं, और मैंने तो इस तरह ये देखिए इसकी तरफ आते उल्टी तरफ से मैंने ये देखिए इस तरह फंदे घटा दिए हैं इस तरह से। मुझे चार पट्टियाँ अलग बनानी है ये, अगर आप चाहते हो एक में ही बना तो आप इस तरह बना लें, यहीं से फिर से शुरुआत कर लें। ये देखिए इस तरह हमने घटानी है ये, चलिए घटा लेती हूँ। फ्रेंड्स हमने इसको घटा दिया है और यहाँ पे नोट लगा दिया है। ये देखिए इसी तरह ये हमारी पट्टी दूसरी भी बन के आई है, और ये देखिए पीछे की तरफ में हमने दूरी दूरी पे धागा काटा है। हम इस तरह यहाँ पे नोट लगा देते हैं इसमें, ताकि धागा खुले नहीं। देखिए इस तरह से, और इसी तरह की मैं दो पट्टियाँ मेरी बन चुकी हैं, अब इसी तरह की मैं दो पट्टियाँ और बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स हमने चार पट्टियाँ बना ली हैं, देखिए इस तरह, ये देखिए मैंने चार पट्टियाँ बना ली हैं। अब इनकी हम देखिए इस तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए मैं इस तरह इनमें सिलाई करूँगी, और सिलाई हमने जब करनी है तो उल्टी तरफ से हमने इस तरह सिलाई को करना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए इसी तरह मैं देखिए इस तरह से सिलाई मारूंगी। इसी तरह मैं चारों पट्टियों को सिल लूंगी, फिर उसके बाद आपको दिखा। फ्रेंड्स हमने इसको सिल लिया है, ये देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह से सिला है, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, चारों पट्टियों को मैंने जोड़ लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, और हमने ये बीच में पम्पम्स भी लगा दिया है इस तरह से। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है डोरमेट, और बहुत ही जल्दी बन गया है। ये देखिए इस तरह से देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।